आज है सैटरडे और मैं जा रहा हूँ फाइनली इरफान भाई के पास। और इरफान भाई कौन है? जिन्हें पता है उन्हें पता है। और इससे पहले कि हम इरफान भाई के पास जाएं, आई वुड लाइक टू शेयर माय कोविड वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं जो हूँ अपना सिर्फ आपके साथ, जो कोविड वैक्सीनेशन का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। इसके हम जो कोविड की वैक्सीनेशन है इसकी किसी भी डीप डिस्कशन के अंदर नहीं जाएंगे। मेरी कुछ रिजर्वेशंस और कंसर्न्स थे जो भी अवेलेबल कोविड की वैक्सीन हैं और अभी भी हैं इवन आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड। और ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह का इन्वायरमेंट होता है इससे मैं काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ, तो मैं इनसे दूर ही रहने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा इस बात का फैसला करने में कि मुझे अब फाइनली कोविड की वैक्सीन करा लेनी चाहिए। जुलाई में मैंने फैसला किया कि मैं वैक्सीन कराऊंगा। यहाँ पे उस वक्त जो थे हमारे पास दो ऑप्शन थे वैक्सीन के, या तो आप बायोटेक के ले सकते थे ऑप्शन, या फिर सिनोवैक का। जितनी मेरी रिसर्च थी और जितना मुझे समझ में आया, मुझे सिनोवैक ज़्यादा बेहतर लगी, इसलिए मैंने सिनोवैक का ऑप्शन ऑप्ट किया। अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है तो आप करा सकते हैं। आपके पास जो भी सब ऑप्शन हो आप उसको देख लें, आपको जो ज़्यादा बेहतर लगे आप वाला ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। 13 जुलाई ट्यूसडे के दिन मैंने अपॉइंटमेंट लिया सुबह का। अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स बने हुए जिसमें आपके फैमिली डॉक्टर्स बैठते हैं, तो वहाँ का मैंने अपॉइंटमेंट लिया सुबह का। और ट्यूसडे को मैंने कर ली छुट्टी क्योंकि मुझे कुछ और काम भी थे, लेकिन अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो हमारे पास कुछ टाइम हो कवर करने। पहली वैक्सीनेशन की डोज के लिए तैयार है और हम अपने जा रहे हैं पड़ोस में जो गाँव है वहाँ के हेल्थ सेंटर में। तो हेल्थ सेंटर को देख के प्लीज़ जज नहीं कीजिएगा, वैसे मैं नॉर्मल, मुझे कोई एक्साइटमेंट वगैरह कुछ नहीं है। तो चलें वैक्सीनेशन के लिए चलते हैं। डोज वैक्सीन की लग गई है, उन्होंने कहा कि आप 5-10 मिनट यहाँ बैठ के गाड़ी में वेट करें। तो बस, और फिलहाल इसका जो इम्प्रेशन है कुछ ज़्यादा खास ऐसा नहीं है, बस हल्की सी हाथ में खुजली टाइप सी है, तो बस यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। तो जो पहली डोज लगी मुझे सिनोवैक की, उसका मुझ पर कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं आया अल्लाह के शुक्र से। थोड़ा सा हाथ में उस दिन मुझे फीलिंग थी कि कुछ है यहाँ पे, बहुत लाइट सी खुजली टाइप कह लें, अदरवाइज़ कोई ऐसी ख़ास चीज़ थी नहीं। तो मैं पूरा दिन जो मेरा प्लान था मैं वो करते रहा, और अगर कोई थकान या कोई सर में दर्द नहीं कोई चीज़ हुई भी होगी क्योंकि मैं बाहर था और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। तो एज सच कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं था। और दूसरी डोज का टाइम ऑब्वियसली आ गया 1 महीने के बाद। तो मैंने जो थी सैटरडे के दिन, 14 अगस्त का दिन था, रात का टाइम मैंने अपॉइंटमेंट लिया। अच्छा, वीकेंड्स के ऊपर जो है ये हमारे जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं, ये जो हेल्थ सेंटर्स हैं, ये नहीं खुलते। तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया, रात के टाइम का अपॉइंटमेंट था। और सैटरडे को इसलिए लिया ताकि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आता है, कुछ होता है, तो संडे का दिन तो हो हमारे पास कम से कम रिकवरी के लिए। और क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल था और रात का टाइम था, तो अंदर जाके मेरा काफ़ी मुश्किल था इंजेक्शन लगते हुए उसको शूट करना। तो दूसरी वैक्सीन लगाने के लिए आ गए, और इस दफ़ा क्योंकि हॉस्पिटल है और रात का टाइम है तो बहुत डार्क सीन है यहाँ पे, बिल्डिंग्स के अंदर जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में आज वैक्सीन लगाते हुए शूट नहीं कर पाऊँगा। तो बाहर निकल के फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं सेकेंड डोज का। तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी डोज लग गई है वैक्सीन की, सिनोवैक की डोज कंप्लीट हो गई है, और नर्स का हाथ काफ़ी सॉफ्ट था माशाल्लाह से, तो बिल्कुल पता नहीं लगा उसने सुई कब लगाई। बस ये है कि इस दफ़ा जो पहले 10 मिनट हुए वैक्सीन को लगे हुए, तो हाथ थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डोज। तो फिर आगे देखते हैं, जो भी इसका एक्सपीरियंस होता है आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जो ये दूसरी डोज लगी ना सिनोवैक की, इसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आए और इसका एक इम्पैक्ट था। रात को लगते के साथ ही मेरे हाथ में एक भारीपन और दर्द हो गया था, और ये तकरीबन दर्द 5-6 दिन तक चला, और मुझे बीच में थोड़े बहुत बुखार भी हुए हल्के हल्के, और उसके लिए मुझे कुछ पेनाडोल वगैरह की गोलियां भी खानी पड़ी। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि सैटरडे को मैंने ये वैक्सीन लगवाई थी कि एटलीस्ट संडे का दिन था मेरे पास थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो कहते हैं कि ये अगर इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आपकी हों वैक्सीन के बाद, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो होपफुली कुछ वैक्सीन ने अपना असर कर दिया होएगा। वैसे तो अब बात चल रही है तीसरी डोज चौथी डोज की, अभी तो मेरी वैक्सीन लगे हुए 6 महीने नहीं हुए, जब टाइम आएगा फिर हम देख लेंगे। तो अब टाइम हो गया इरफान भाई के पास जाने का, उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ, अपॉइंटमेंट है उस पर हम जाएंगे, अब अपॉइंटमेंट से वो बुलाते हैं। तो चलें इरफान भाई के पास अब चलते हैं।
जब से मैंने बाल कटे ना, मैं जब भी अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ, मुझसे अपने आप को पहचाना नहीं जा रहा।